आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो फाइनली यार इतने दिनों के वेट करने के बाद यानी करीबन 15 एपिसोड हो चुका है हमारे WCC3 के कैरियर्स मोड सीरीज का। तो फाइनली हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल मैचेस में। आपको भी पसंद आया है, आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट भी कर रहे हो इस सीरीज को, तो इसी तरह से आगे भी सपोर्ट बनाए रखना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा खासा वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करूं। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला मैच देखते हैं हमारा आज के इस एपिसोड में किसके साथ होता है। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेम प्ले देखना चाहते हो कोई भी गेम से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जाने से पहले। तो सुप्रीम ब्लीच लीग का सबसे पहला मैच है हमारा न्यूजीलैंड के साथ। तो चलो एंट्री करते हैं और कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस होगा। और ब्लीच टूर्नामेंट तो 5 ओवर का मैच होगा, तो बॉलिंग में सिर्फ 1 ओवर मिलेगा और बैटिंग में भी बहुत ही कम चांस मिलेगा। तो इसमें 50 स्कोर हाफ सेंचुरी स्कोर बनाना यार बहुत ही मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे। तो धर्मशाला में है, इंडिया लोकेशन है, काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया में मैच खेलेंगे। तो फर्स्ट मैच चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर से प्लेन के अंदर बांग्लादेश से वापस आते हुए इंडिया में, इंटरनेशनल मैच हमारा सबसे पहला डेब्यू हो गया इंडिया टीम में डेब्यू। जी हाँ, सुप्रीम ब्लीच लीग, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो हेड्स लेते हैं, टॉस जीतते हैं। विलियमसन कैप्टन, हमारा कैप्टन ऑब्वियसली विराट कोहली होगा। तो टॉस हारे हैं, पहले बॉलिंग करेंगे तो कम से कम स्कोर देंगे 1 ओवर में और विकेट भी झटकना पड़ेगा हमें। चलो पहला मैच डेब्यू स्पेल हमारा। तो सारा फील्डर सेट हो चुका है, पहले गेंद के लिए तैयार। चलो दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम, पहला गेंद डॉट के साथ शुरुआत। बल्लेबाज जोखिम उठाएगा नहीं, डॉट बॉल यार, प्रेशर तो होगा ही। और ये पहला छक्का खाए हमने, देकर जाएगी 6 रन। यही नहीं चाहिए ना, वहीं से मंगवा लीजिए क्योंकि मिलेंगे। तो दूसरे बॉल पे 6 लगने के बाद वापसी करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो तीसरे गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये पहला विकेट, पहला इंटरनेशनल विकेट हमारा। और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के ना बिल्कुल साधारण बल्ले, अब इन्हें सिर्फ अपने विलियमसन आए हैं जुड़े रहना है। अगर नींव चौथे गेंद के लिए तैयार, इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है, लाइन लेंथ वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और सेकंड गेंद पे भी विकेट मुमकिन बनाया फील्डर ने, लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट पकड़ा कैच, 2 गेंदों पर 2 विकेट। विलियमसन भी गए पवेलियन पे, टेलर आए हैं और कोशिश करनी होगी अंत तक। तो हैट्रिक चांस है पहले ओवर में ही, चलो ले लो डेब्यू में हैट्रिक। नहीं, ये 6 हो गया उस ओबी स्टेडियम के बाहर। अरे पहाड़ पे जा रहे हो, क्या कमाल का शॉट है ये, पहली गेंद पर छक्का, इससे बेहतर शुरुआत। तो आखिरी गेंद कहां है संभव, 2 छक्का खाए तो स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है, तो हमें भी उतना खेलना पड़ेगा लॉफ्टेड करके। डॉट बॉल के साथ फाइनल ओवर डॉट, तो हमें मिला है टारगेट 32 का। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा हमें। मुस्कुराते हुए जाएंगे तो शर्मा जी के साथ जाएंगे हम ओपनिंग पे। समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का, शुरुआत कर रहे हैं। पहले कुछ गेंद स्लो के साथ खेलते हैं, स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है। 2 रन आसानी से ले सकते हैं लेकिन नहीं लेंगे, रिक्स नहीं लेना है मुझे, फील्डिंग यूनिट नहीं होना यार, क्यों मैं आउट हो जाता हूँ इस गेंद पे। तोहफे में देख, पहला मैच ही हार जाएंगे मुझे क्यों लग रहा है। नहीं, जीत गए, अंत में मिली एक आसान सी जीत गए, थैंक गॉड हमने जीत लिया मैच को, नहीं तो यार पहले मैच में हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, इंटरनेशनल मैच का शुरुआत होने से पहले आउट। चलो अच्छी बात है, सेकंड मैच में एंट्री करते हैं, देखते हैं किसके साथ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ होगा, गेंद के साथ मैच को पलटा। तो 2 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच तो मिल जाता है लेकिन मैच को जीता नहीं पाते हैं, वो चाहिए मुझे। इन्हीं को मिलेगा। तो फिर से टॉस आ रहे हैं, सेकंड मैच में भी टॉस हार के हमें मैच जीतना पड़ेगा। तो हम बैटिंग करेंगे पहले, तो वो जो गेंद है ना जो मिडिल स्टंप के आसपास आता है उसको थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का, तो सेकंड मैच स्टार्टिंग,
अब इसे कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, और इसी कहते हैं शक्तिशाली शॉट, बढ़िया जज, ज्यादा क्रॉस खेलेंगे तो यार आउट हो जाएंगे, बढ़िया रन बटोरा बल्लेबाजों ने, बल्लेबाज को थोड़ा क्रैम्प किया, अच्छा शॉट खाता खोला इस मैच का, गेंदबाज की पांचवी गियर में, हो जा रन हो जा, स्ट्रेट थ्रो रहता तो यार आउट हो जाता, जीवित रहना चाहते हैं तो वही गेंद ध्यान से खेलो, मैदान पर दुक्के के साथ बहुत अच्छा किया है आरंभ, स्क्वायर लेग की तरफ, नहीं इस बार नहीं मिड विकेट क्षेत्र वापस जाओ, थोड़ा तो लॉफ्ट खेलना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं खेलेंगे, एंड पे जाके खेलेंगे हम, तो आखिरी गेंद पे सिंगल लेके स्ट्राइक मिलेगा हमें, स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बेहतर, फुल टच डाल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे हम, अच्छा शॉट गैप में भी है, दो रन आसानी से ले सकते हैं, नहीं लेंगे, इतनी तेज भागा ये बल्लेबाज, 1.3 ओवर में सिर्फ रन है हमारा 11, बॉलर की ये बढ़िया, ये आउट है, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, अंपायर ने कहा नॉट आउट, लेकिन मुझे लगता है फील्डिंग टीम जल्द जरूर से रिव्यू लेंगे, फील्डिंग कैप्टन हैज जी हां, लेकिन ये नॉट आउट है क्योंकि लेग स्टंप होगा शायद, अंपायर को भी वही लगा, हमें भी वही लग रहा है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है, मिसिंग विकेट मिसिंग है तो बच गए, इस गेंद पे यार कनेक्ट नहीं होता है शॉट, जब कनेक्ट नहीं होगा LBW नहीं तो यार बोल्ड, दोनों में से एक तो हो ही जाएंगे, तो ओरिजिनल डिसीजन कायम रहेगा, और ऐसे जगह पे फील्डर रखा है हम, शॉट भी नहीं खेल पाते हैं, ऊंची तो बहुत ये टू लेट और कैच भी होगा, ये कैच पकड़ा है तो सेकेंड मैच में भी फ्लॉप, फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली, बहुत अच्छा, इसी तरह से परफॉर्मेंस आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल में, कहाँ चांस हम वर्ल्ड कप कहाँ से जीत पाएंगे, ऐसे परफॉर्मेंस रहेगा तो 35 स्कोर है, 36 हमें डिफेंड करना है कि आज गेंदबाज पे, चलो कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो सारा कुछ सेट है, छक्का नहीं खाना है इस ओवर में, जितना हो सके कोशिश करेंगे विकेट लें, पहले गेंद के लिए रेडी है, ज़्यादा बाहर हो गया मुझे पता है वाइड होगा, तो वाइड के साथ शुरुआत हमारे दूसरे मैच का, यार जीतना है जैसे भी हो जीतना है हमें, डॉट विकेट कम से कम दो निकाले तो यार मुझे लगता है चांसेस बढ़ जाएगा जीतने का, लेकिन करना तो पड़ेगा, अच्छा गेंद और ये अच्छा कैच, गेंद हाथ से फिसल रही है लेकिन इन्होंने पकड़ा कैच को, फिसलने नहीं दिया मैच को, तो पहला विकेट ही गंवानी है यहां इनको, तो तीसरे गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रनिंग खराब नहीं करना है, और ये अच्छा शॉट और छे, जो नहीं चाहता था यार वही हो रहा है, चलो चौथे गेंद के लिए रेडी, फिर से छक्का खाएं, जी हाँ यार मैं सच में बोल रहा था यार सच में हो गया, इस बार थोड़ा बाहर लाइन रखेंगे, ये ठीक है और ये कैच भी होगा, तो पहले दो गेंद थोड़ा अंदर डाले थे इसलिए छक्का हुआ, लेकिन इस बार वो गलती नहीं किए, थोड़ा सा इनको संभल के, दो छक्का मारने के बाद आउट हो चुके हैं, अंत तक ये नाबाद अहमद आए हैं, चलो फिर से वही बाहर थोड़ा डालेंगे और विकेट मिलेगा, नहीं मिला, बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर, चलो ऑटो प्ले करते हैं, देखते हैं मैच को जीत पाएंगे या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता इस मैच को जीतेंगे, और पहला टूर्नामेंट शुरू होते होते ही खत्म हो जाएगा हमारा, जी हाँ, तो आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो सारे मैच के लिए डिस्क्वालीफाई, मुझे पता था यही होने वाला है, तो इंडिया एग्जीबिशन में एंट्री करते हैं, एक मैच खेलेंगे, तो पहला मैच हमारा मुंबई रंबल्स के साथ, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नहीं कर पाए कुछ अच्छा काम, अच्छा परफॉर्मेंस, इस बार तो यार जो भी हो हम लॉफ्ट खेलेंगे, हारे या फिर जीते, आर या पार का मैच होगा ये, And heads it is. फिर से टॉस क्यों नहीं जीत रहे वो भी मुझे पता नहीं, तो डोमेस्टिक लीग का मैच का पहला गेंद, इसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 10 ओवर का मैच है तो 2 ओवर का स्पेल मिलेगा हमें, यार अभी भी वो हम उभर नहीं पा रहे हैं इंटरनेशनल मैच में, हार के सीधा टूर्नामेंट से बाहर, वो भी सेकेंड मैच में, चलो कोई बात नहीं, हार के ही तो सीखते हैं, आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन इस बार 6 हो गया, तीसरे गेंद पे चौथे गेंद के लिए रेडी, आगे बढ़ रहे हैं, फील्डर सामने चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त दिखते हुए, और ये उड़ के डाइव लगा के रन रोके हैं फील्डर ने, 4 गेंदों पे 6 रन ऑलरेडी हो चुका है, तो पांचवे गेंद और फिर से 6, क्यों ये गेंद क्यों नहीं काम कर रहा है, पांचवे गेंद पे
दूसरा छक्का, सिर्फ पीछे मुड़कर देखेंगे 6 रन। चलो आखिरी गेंद इस ओवर का थोड़ा अंदर डालते हैं। चलो इस ओवर में विकेट नहीं मिला लेकिन 2 छक्के जरूर खाए। तो आखिरी ओवर इस मैच का कोशिश वही रहेगा, विकेट निकाले, विकेट चाहिए मुझे, बहुत देर से विकेट भी नहीं मिला हमें। ये वो और ये विकेट बोल बोल के विकेट निकाले हैं लेकिन चूक जाते हैं। पहले ओवर से थोड़ा अच्छा तो करना पड़ेगा, 6 नहीं खाना है। जबरदस्त कैच, सटीक गेंदबाजी। तो पहला विकेट 13 पे 2 हो चुका है, जुड़े रहेंगे और 2.1 ओवर में दूसरे गेंद के लिए रेडी है और दूसरे गेंद पे भी विकेट के नीचे पहुंचे भी और पकड़ा भी। चलो फिर से हैट्रिक का चांस तीसरे गेंद पे। चलो हैट्रिक ले लो। एक और साधारण सी कोशिश, एक बार फिर ये कहां से वाइट था, हैट्रिक लेने का। आप लोगों को क्या लग रहा है ये वाइट होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। शायद अंपायर फिक्स कर चुका है मैच को कि ये जो गेंदबाज है उसको वाइड ही देना है और छक्का भी खाना है इसको। गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए, ज्यादा बाहर डालेंगे, अच्छा लाइन पे रखेंगे, वाइड हो जाता है, जब अंदर डालते हैं तो 6 हो जाता है। करे तो क्या करे, बोले तो बोले क्या, ये डायलॉग शायद आपको पता होगा। चलो अच्छा गेंद, बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्लेबाज को क्योंकि रन। चौथा गेंद अच्छा डाले हैं, पॉइंट फील्डर के हाथ। 5वें गेंद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कीपर भी सोच रहा होगा यार मेरे पास वो गेंद क्यों नहीं आ रहा है, कभी कैच नहीं आया इसका। सिर्फ जो सामने फील्डर खड़ा है उसी के पास कैच जाता है हमेशा। चलो आखिरी गेंद डॉट, एक ही 6 खाए इस ओवर में। तो 10 ओवर में ओनली 32, कहां 5 ओवर में 32 के आसपास स्कोर होता है। ये मैच तो जीतना पड़ेगा बैटिंग परफॉर्मेंस करते हुए। जी हाँ, वही करना है मुझे। 40 मैच 39 इनिंग्स 731 24 एवरेज है। अच्छा शॉट, पहला गेंद और पहला चौका आज के इस एपिसोड का। बोल रहे ना अभी नाइस गेंद को देखना पड़ेगा, थोड़ा कोई दुश्मन लाइन है हमारा। तो कोशिश करेंगे नॉट आउट होके मैच को जीता के जाएं, नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। फिर से अच्छा शॉट, नाइस ट्राई और ये गैप में भी है और चौका मिल जाएगा। बल्लेबाजी टीम के खाते में एक और एक दो नहीं एक तो ऑलमोस्ट हो चुका है, 30 हो चुका है, तो आराम से जीत लेंगे ये मैच। अब परफेक्ट शॉट, ये फॉर्म कहां था यार तेरा इंटरनेशनल मैचों में। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते। और 1 रन चाहिए सिर्फ, 2 रन चाहिए सिर्फ, विकेट चटका सकते हैं। अच्छा शॉट, स्ट्रेट डाइव और 32, 1 रन है तो आसानी से हो जाएगा, वो बैट्समैन कर लेगा, ऑटो प्ले कर लेते हैं और मैच को अपने नाम करते हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन देगा, 10 विकेट से जीत, पहला मैच जीता है और विपक्षी इस टूर्नामेंट का मुझे पता भी नहीं है कौन सा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ऑलराउंडर है तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस ही चाहिए हमारा। तो अभी फिलहाल हम खेल रहे हैं इंडिया एग्जीबिशन, तो काफी सारा मैचेस है, कितना मैचेस जीतना पड़ेगा हमें। तो एग्जीबिशन इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है जब हम 1 मैच हारेंगे, तो उसके बाद आएगा हमारा इंडियन स्टेट चैम्पियन जो 50 ओवर का मैच है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, इससे यानी ये जो टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं उसका और 2 मैच आपको देखने को मिलेगा। 2 मैच नहीं, सारा मैच खेलेंगे हम, क्योंकि जब हम 1 मैच हारेंगे तो इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाएंगे। तो क्या करना है, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, या वर्ल्ड ब्रिज टेस्ट सीरीज। उसके लिए टाइम है, 3-4 एपिसोड लग जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो उसको देख पाओगे। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।